अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर अंकुल अब्दुल सत्तार फ्रॉम फ्रूस तालुका खेड़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं मेरा चैनल है यूट्यूब पे COM15 डॉक्टर अंकुल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। इसमें मैं बहुत सारे मंदिरों में जाके भी कुछ बयान किया हूँ, वो है उसमें मैं अरबी ग्रामर सिखाता हूँ और उसमें मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स लेता हूँ और उसमें मैं दीगर जो मुझे कंपैरेटिव रिलीजन के कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं उसमें डिस्क्राइब किया हूँ। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, अभी अगर आज तक नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं वैसे ही कुछ शेर जो अल्लामा इकबाल के हैं मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। चाहे तो बदल डाले हैत चमनिस्तां की, चाहे तो बदल डाले हैत चमनिस्तां की, तू हस्ती ये दाना है बीना है तवाना है। इसका मानी मैं शॉर्ट में बताता हूं कि अगर तू चाहे, तेरे अंदर इतना पोटेंशियल भरा हुआ है कि अगर तू चाहे तो इस गार्डन को, तेरे जिंदगी के गार्डन को, तेरे जिंदगी के बाग को तू बदल सकता है, मगर सिर्फ गरज है कि उसमें चाहत की यानी डिजायर होना चाहिए। अगर अंदर से बर्निंग डिजायर आ गया तो हम जो चाहे दुनिया में कर सकते हैं। जितने भी आज तक डिस्कवरीज हो गए हैं उनके मन में पहला डिजायर आ गया और उसके बाद में उन्होंने उसके ऊपर कोशिश किया तो फिर उन्होंने कुछ कर दिखाया। तो पहले एक थॉट दिमाग में आता है और फिर थॉट थिंग बन जाता है और ये आप कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड मी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि तू हस्त ये दाना है, तुझे अक्ल दिया है अल्लाह ताला ने तुझे हवा से खमसा दिया है यानी फाइव सेंसेस दिया है, और तू तवाना है यानी तू अपने ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है यानी तू जो चाहे वो कर सकता है, तू सेहतमंद भी है। तो अगर तू चाहे तो दुनिया बदल सकता है, तेरे अंदर एक इनकलाब बरपा कर सकता है, मगर इम्पॉर्टेंट है कि तू चाहना यानी बर्निंग डिजायर फ्रॉम इनर लेवल और इनर साइड ऑफ योर हार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही मैं दूसरा शेर बोलता हूँ, ये भी अल्लामा इकबाल का है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर जो फोड़ डाले वो शीशा तलाश कर। सजदों से क्या मिला सदियां गुजर गई, सजदों से क्या मिला सदियां गुजर गई। तेरी जिंदगी जो बदले वो सजदा तलाश कर, तेरी जिंदगी जो बदले वो सजदा तलाश कर। अब इसको भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि अल्लामा इकबाल यहाँ पे कहते हैं कि अगर तू एक मंजिल को पा लिया, अगर तूने एक गोल डिसाइड कर लिया और उस गोल को पा लिया तो तू वहाँ पे जाके मुतमइन ना हो कि बस ये मैंने जो गोल डिसाइड किया था अभी मेरे को मिल गया, अभी मुझे आगे इसके बढ़ना नहीं है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे द टॉप ऑफ द वन माउंटेन इज द बिगिनिंग ऑफ द बॉटम ऑफ द अनदर माउंटेन, अगर ये हमारे दिमाग में है कि पहाड़ की बुलंदी, जहाँ एक पहाड़ की बुलंदी ख़त्म होती है, जहाँ एक पहाड़ की बुलंदी पे हम चढ़ते हैं वहाँ हमें यह समझना चाहिए कि दूसरे पहाड़ की बॉटम है और उस पहाड़ को भी हमको ऊपर चढ़ के जाना है। तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समंदर तलाश कर। अगर दरिया मिल जाए तो उसमें भी तू किनारत न कर यानी तू अपने आप को मुतमइन मत समझ, उसके आगे बढ़ने की कोशिश कर। जितना तू आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही तू आगे बढ़ता चले जा और तू कहाँ पे भी कंफर्ट जोन में नहीं आ, और अपने आप को स्टैग्नेंट मत कर, रुका मत, क्योंकि जो आदमी रुक जाता है और जिसमें हरकत नहीं होती है वो तो मुर्दा कहलाता है। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा तो हर टूट जाता है पत्थर की चोट से, मगर तू ऐसा बन, अपने आप को इतना संवार ले कि यानी तेरे सामने कोई भी कठिनाई तेरे सामने नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू फेस द चैलेंजेस ऑल दैट ऑकर्स इन योर फील्ड एंड इन योर प्रोग्रेस। जो आदमी चैलेंजेस फेस करने से डर गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आज तक हमारी इबादतें
जो हम सजदे करते हैं वो ऐसे सजदे देते हैं, सर के सजदे तो होते हैं काबे की तरफ और दिल के सजदे न मालूम किधर होते हैं। तो हमको अल्लाह के सामने ऐसे सजदा करना चाहिए कि जो उसके करीब लेके जाए और हम उसकी रजा पा लें। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।